यार ये बहुत ही डेंजर है, जब सारथन फिलिंग स्टेशन लिखा ये निकल। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं मोटो ब्लॉग पे ही ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ मैं जल्दी जल्दी से नहा धो के तैयार हुआ और अर्जेंट में भी जाना पड़ रहा है बदलापुर। और दोपहर के बज रहे हैं 2:20, तो अभी का माहौल कुछ इस तरह का है कि मौसम एकदम बढ़िया है, हवा बहुत ज़ोरों से चल रही है और ठंडा भी लग रहा है, गर्म भी लग रहा है, तो दिस इज़ अ गुड वेदर और काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो आप सब वीडियो पर अगर नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब और इन्जॉय करें, सपोर्ट करें हम सबको। तो पिछला वीडियो मैंने अपलोडिंग पे लगा दिया है, तो आई होप कि वो भी अपलोड हो गया होगा आप तक। और काफ़ी मज़ा आ रहा है, तो ये मौसम काफ़ी अच्छा लगता है, बट आलस बहुत आती है यार, बिकॉज ऑफ क्योंकि धूप का कुछ वो नहीं हो पाता। और ये जो बोलते हैं इसको लाइक जो हवा चलता है ना, इस वजह से थोड़ा हवा हो जाता है। अरे यार ये बहुत ही डेंजर है, जब सारथन फिलिंग स्टेशन लिखा ये निकल गया, आई थिंक सो किसी बाइक वाले के ऊपर गिर जाएगा या फोर व्हीलर के कांच पे आ जाएगा, तो देन समथिंग वेंट रॉन्ग। बट आप क्या कर सकते, देखो हवा की वजह से वो निकल गया, अब ये सबको फिक्स करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो इसको छोड़ते हैं, पर उस पर थोड़ा ध्यान दे देंगे यहाँ के लोग तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और बहुत ही मज़ा आ रहा है, बिकॉज ऑफ इतना जब ये मौसम में हम कहीं घूमने निकलते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, यू नो कि मौसम ठंडा रहता है, अच्छा लगता है, बस अपना घूमने निकल जाओ। तो बस प्लान बन रहा है भाई मेरे, निकलेंगे यार अच्छे से। बीच में लूँगा 1-1.5 महीने का ब्रेक, उसके बाद हम निकलेंगे घूमने के लिए, तो काफ़ी मज़ा आएगा। और अभी मैं बस पहुंच गया हूँ सदीड़ेपुर, यहाँ से महाराष्ट्र सॉरी बदलापुर आज 3 या 4 किलोमीटर समथिंग होगा मे बी। और इस स्कूल में मैंने अपने एम ए फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया था, देन देखो अभी सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम कहाँ देने को मिलता है, मतलब फाइनल ईयर का। वो भाई मेरे ऐसा क्यों चल रहे हो भाई, डरा ही दिया आपने मुझे तो। चलो ठीक है, बढ़िया है भाई लोग की सवारी। ओहो कहा भाई से टुकमा कितना आदमी। और ये रहा हनुमान जी और शंकर भगवान जी का मंदिर, काफ़ी अच्छा है। और हम धीरे धीरे पहुंच चुके हैं अपने यहाँ, तो यूपी 62BF008C गाड़ी का नंबर है। तो भाई ने सीधा फिक्स कर दिया मेरे ऊपर, मैं बच गया भाई, तो वो वहाँ था मैं यहाँ कर दिया गाड़ी, नहीं तो भाई मेरे ऊपर त्रा डुबड़ा। तो कुछ इस तरह का माहौल है, तो ऐसे ऐसे चूतिए रोड से मिलते रहते हैं, सो इग्नोर देम। और यहाँ फैक्ट्री तो यार यहाँ पे दूध की स्मेल बहुत गंदी आती है, तो गाड़ी की सर्विसिंग साइन आ गई है, ये भी करवाना है, तो जल्दी करवाएंगे इसको भी। और यहाँ से हम बदला तो पहुँचते ही हैं, तो यार चलो पहुँचते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ठीक है, तो भाई लोग क्रॉसिंग बंद पड़ गई है, तो अभी मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। क्या बोल पब्लिक, यहाँ कुछ समय रुकना पड़ेगा हम सबको, देखो कब आती है, यहाँ ब्रिज का काम होता है जल्दी से, बस देखो कब तक बनती है। तो चलो यार मिलता हूँ मैं आपसे कुछ देर में। सो भाई लोग की बहन लोग, क्या हाल, अभी क्या हुआ मालूम है, कुछ नहीं
तो ऐसा है कि जिस काम के लिए आया था मैं वो तो काम हो गया मेरा, और बाइक में कुछ कराना था मतलब इन द सेंस की। अरे यार फिर से क्रॉसिंग बंद है, पक्का बट एवरी टाइम आई सी यू यार दुख कहाँ नहीं खत्म होता है, लॉगिंग सही से कर ले, पालतू के पैसे खर्च होते हो। तो यार ट्रैफिक 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 वायलेंस बंद है फिर से, देखो कब खुलता है। धूप बहुत ज़्यादा ठीक है, ठंडी लग रही है। ट्रक वालों को सम्मान दें। ओके ब्रो वेयर आर यू, आई वांट सी योर फेस। तो भाई लोग अभी आ गया था मैं महाराजगंज मतलब उससे, तो यहाँ पे था थोड़ा सा काम, वो भी हमने ख़त्म कर लिया फटाफट फटाफट। चार लग गए समझ लो कि एक घंटे आराम से लग गए यहाँ पे। चलो अब चलते हैं घर, और यहाँ पे शादी का म्यूजिक बज रहा है भाई मेरे, तुम्हें शादी बहुत ही हो रही है तो बने रहे आप, और अब सीधा मिलता हूँ मैं आपसे घर पे, ठीक है। तो भाई अभी आ गया था बाइक वॉश कराने, क्योंकि एक लास्ट बारिश में इसको बारिश के पहले वॉश कराया था, क्योंकि अब बहुत ही गंदी हो गई थी, तो वॉश करा लेते हैं। मिलते हैं आपसे।